श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाशं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं लौमिगोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरगाभात् सीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्य नमस्कार। आज यहाँ गीता भवन में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ये चीज कुछ बनती नहीं, भगवान तो प्राणों के प्राण हैं, सारे जीवनों के जीवन हैं, पर ये हमारे ऋषि मुनियों ने, अनुभवी महात्माओं ने भगवान को प्राप्त करने का एक सुलभ तरीका और ऐसा अनुभूत जिसमें भगवान की प्राप्ति हो ही जाए, ये मूर्ति में प्रतीक में भगवान की पूजा करना। हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करता है, वो मुसलमान और लोग कहा करते हैं कि हिंदू बुत परस्त हैं, बुत को मानने वाले, पर हिंदू बुत नहीं मानते, बुत परस्त नहीं हैं, वे भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रतीक रूप में मूर्ति को मानते हैं और फिर शास्त्रीय पद्धतियों के अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें। तो ये हमारे यहाँ एक अर्चावतार माना है, अर्चा बताओ, अर्चा मूर्ति में जिसका विश्वास हो, जो मूर्ति को मूर्ति न मानकर वास्तव में भगवान मानता हो, उसके लिए उस मूर्ति में ही भगवान अवतरित हो जाते हैं। पर यह है बड़ी कठिन बात। बहुत बार मूर्ति में भगवान मानते हुए भी हम लोग ऐसे काम कर बैठते हैं जो हम पांच भले आदमी के सामने नहीं कर सकते, पर मूर्ति के सामने कर लेते हैं तो वहां भगवान को भूल जाते हैं। भगवान सुप्रतिष्ठित हैं, भगवान देख रहे हैं, ये बात हम भूल जाते हैं, इसीलिए वहां फिर अपराध कर बैठते हैं। तो मूर्ति में मूर्ति बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक सज्जन थे, वो भगवान गोपाल जी की पूजा किया करते, अपनी जान में तो गोपाल जी को भगवान ही मानते, पर भाव में कुछ कमी थी। तो अब गोपाल जी की पूजा करते करते बहुत दिन हुए, कुछ हुआ आया नहीं, तो गोपाल जी को उन्होंने उठाकर ऊपर आले में रख दिया और देवी जी की पूजा आरंभ कर दी। अब देवी जी को जब धूप देने लगे
तो उनके मन में आए गोपाल जी पर आले में है और धूप तो उनके नाक में चली जाएगी, वो सूख लेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो रुई लेकर के गोपाल जी के नाक में रुई ठूंस दी। तो गोपाल जी बोले, भाई बोलो, वरदान मांगो। तो उसने कहा कि महाराज, ये बड़ी अजब पूजा पद्धति आपकी, इतना इतना चंदन लगाया और नैवेद्य रखा, आरती की, कपूर फूका, और कभी आप बोले नहीं, और ये नाक में रुई ठूसने से आप बोल गए, क्या बात है? तो बोले, भाई आज तुमने हमको चेतन माना, रुई ये धूप की सुगंध पत्थर थोड़ी सूंघता है, ये तो जिसमें चेतना होगी वो सूंघ सकता है। तो आज तुमने ये, चाहे किसी बहाने से हो, व्याज कोई हो, तुमने समझ लिया कि ये चेतन है, तो आज हम गोपाल जी असली हैं, तब तुमसे बोल लिए। तो बात यह है कि मूर्ति में ये मूर्तियां नहीं बोलती, भगवान बोलते। मीरा जी से, मीरा जी की एक कथा आती है ऐसी उनके जीवनी की, कि उनकी अपने भगवान से बातचीत हुआ करती। तो अब लोग तो अपनी आंख से न देखते हैं, न उनकी बुद्धि मात्र जाती है, और दूसरे में बहुत ज्यादा जाल फरेब धोखा भी चलता है, तो धोखे की तरफ ज्यादा मन जाता है। तो अंदर ठाकुर जी की पूजा करती तो पूजा करने के बाद बातचीत सुनाई देती, ऐसा मालूम होता बाहर वालों को कि दो आदमी बोल रहे हैं। तो लोगों ने सुना, एक उदाबाई रही उनकी ननद, गुजरा विशेष बहन करती, घर की मालकिन वही बनी थी। तो वो एक दिन उसने आवाज सुनी, दो आदमी बोल रहे हैं, तो सोचा कि कोई दूसरा आदमी अंदर है जिससे मीरा बात कर रही है। तो उसने बाहर ताला लगाया, ताला लगाकर वो गई राणा जी के पास। देवर थे ये, इनके पति का देहांत हो गया था पहले, उसके बाद इसके दूसरे देवर बैठे, तीसरे देवर जो थे उनके काल में मीरा को कष्ट हुआ, तीसरे देवर के काल में। तो उदा ने जाकर के कहा उस अपने भाई से कि आज तुम चलो अभी देखो। तो वो आया, आकर के किवाड़ खटखटाए, तो किवाड़ कितने खटखटाए, वो तो मीरा तो अपने इस राज्य में थी नहीं, वो तो दूसरे दिव्य देश में थी, तो कोई बोला नहीं। तो वो राजस्थान में चूड़िया होते हैं, वो कब्जे वब्जे तो अब बने हैं, तो चूड़िया उतार के वो किवाड़ खोल लिए। किवाड़ खोल के अंदर जा करके देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, गोपाल वो भगवान का श्री विग्रह सामने है और मीरा जी बैठी, आंखों से सुरपात हो रहा है। अब चारों तरफ देखा, सब ढूंढ लिया, कुछ कोई हो न हो तब न मिले। तब मीरा जी को जगाया उन्होंने, कौन है क्या है। अब मीरा जी तो दूसरी स्थिति में थी, पर जब बहुत जगाया हो गया तो बाह्य स्थिति आई। तो मीरा जी से कहा कि बताओ कौन था। तो उसको मीरा जी ने कहा कि कौन था, कोई था तो नहीं, तो तुम किससे बात कर रही थी। मेरे इनसे बात कर रही थी, ये बैठे हैं। तो उनको समझ में आवे नहीं, जो अविश्वासी लोग हैं वो समझ नहीं पाते इस बात को, विश्वास कर नहीं पाते। परंतु जो विश्वासी होते हैं उन लोगों को ऐसे अनुभव हुआ करते हैं भगवान की कृपा से। तो मूर्ति में कभी पत्थर, पाषाण या धातु की भावना नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा ठीक नहीं, ये हम भी मानते हैं। मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, धातु पूजा, ये ठीक नहीं। पर हम तो मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा, पत्थर पूजा नहीं करते,
हम तो भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति में उनको प्रतिष्ठित देखकर। जो भगवान जो कहते हैं मूर्ति में नहीं, ये भगवान का सर व्यापी बना ही नहीं मानते। अरे सब जगह जो है मूर्ति में क्यों नहीं है, है तो पहले से ही। तो इसलिए मूर्ति पूजा में, भगवान की पूजा में कभी ये भाव नहीं करना चाहिए कि ये भगवान की पूजा, ये हम किसी पत्थर की, किसी अचेतन की, किसी जड़ की पूजा कर रहे हैं। जड़ की पूजा करने वाले जड़ होंगे भला, तो जड़ की जो रुपयों को पूजते ना लक्ष्मी जी के स्थान में, ऐसा हमने देखा। अब तो रुपए बंदी हो गए चांदी के, ये दिवाली के दिन चांदी के कटोरे में रुपए रख के रुपए की पूजा करते, तो ये तो जड़ की पूजा है। जड़ की पूजा करने वालों को लक्ष्मी जी चेतन कहाँ मिलेंगी, वो तो जड़ से ही प्राप्त होगी उनको, तो धन के पूजकों को क्या मिलेगा, जड़ता मिलेगी। तो भगवान की पूजा में जड़ की पूजा है ये बात न समझे कभी, कि बिल्कुल चेतन भगवान है उनकी पूजा है और वो सत्य हैं। जिनको उसमें विश्वास होता है वो वहाँ भगवान सब कुछ करते हैं। इसमें ढोंग बहुत चलता है, ये सच्ची बात ये है। ये बुद्धिवाद जहाँ अति हो जाता है वहाँ वो श्रद्धा को खा जाता है, वो बहुत बुरा। और जहाँ इस प्रकार की मूर्खता आ जाती है कि थोड़े से किसी चमत्कार को देखकर उसमें फंस जाए और अपनी बुद्धि से कोई विचार न करे, शास्त्र की मर्यादा को न देखे, वो भी धोखे में रहता। हमने देखा ऐसा, चमत्कार तो लोग दिखा देते हैं हाथ के करिश्मे से ही, हथशेरी से चमत्कार दिखा देते हैं, तो वो कोई सिद्ध थोड़ी है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो जिनमें कोई चीज है पर उनके आचरण अच्छे, ये एक आदमी सोना बनाता है, वो उसके ऐसे कुछ शक्ति उसमें है तो वो किसी दूसरे के हाथ की चीज को सोना बना देता है। ये मैंने उनको नहीं देखा, बहू जुगल किशोर जी बिरला ने उनको देखा और कई बार उसका परीक्षण किया, पर उस आदमी में कोई नैतिकता नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई सदाचार नहीं, तो उसको मुक्ति थोड़ी ही मिलेगी। और उसके अनुसार चलने वाले धोखे में रहेंगे ना, भले सोना बनाना किसी को आता हो, इससे कुछ नहीं। तो चमत्कार के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। तो भगवान की पूजा में प्रधान चाहिए भाव। भाव होने पर जो चमत्कार होते हैं वो चमत्कार किसी को बताने के नहीं होते। भगवान की और भक्त की जो आपस की चर्चा कभी कभी कहीं की कहीं होती है, वो तो बड़ी अंतरंग है, वो विज्ञापन की वस्तु नहीं है, वो प्रचार की वस्तु नहीं है। मान और पूजा पाने के लिए जो भगवान के चमत्कार का प्रचार करता है वो भगवान का तिरस्कार करता है, और संभव उसको भगवान का चमत्कार हुआ नहीं, और यदि हुआ है तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ही, तो भगवान और भक्त का जो संबंध होता है ना, ये तो उनका अपना संबंध होता है। शरणागति के मामले में भगवान कितनी सावधानी से बोलते हैं, कितनी सावधानी, सर्वभूय तमम भूय शृणु में परमम वचन इष्टोसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि तेहितम वक्ष्यामि। और फिर कभी दम थे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन थी। तो ये भक्त और भगवान की जब अंतरंगता होती है और अंतरंग लीलाएं होती हैं, वो लीला न कहने सुनने की होती है, न वो चमत्कार होता है, न वो बताने की बात होती है, न विज्ञापन होता है। तो इसलिए भगवान की पूजा जो है ये भगवान के भाव से करनी चाहिए। बस पूजा हम कर रहे हैं ये सबसे बड़ा सौभाग्य। पूजा का फल क्या हो, पूजा, पूजा का फल हो बढ़ती हुई पूजा, पूजा का फल हो पूजा में प्रवृत्ति, पूजा का फल हो पूजा में श्रद्धा, बल्कि
ये प्रेमी भक्त जो है वो तो यहाँ तक मानते हैं, भाव है उनका कि हम पूजा करते रहें और हमारी पूजा का कहीं पूज्य को पता न लग जाए, हम जिसकी पूजा करते हैं उसको पता न लग जाए कि हम पूजा करते हैं। हम तो उनको देखते रहें पर वो हमको न देख सकें, क्योंकि यदि वो हमारी पूजा को जान जाएंगे तो बड़े उदार हैं, बड़े उदार हैं तो बदले में कुछ देना चाहेंगे, देना चाहेंगे तो लेने की इच्छा हो जाएगी, तो जो एकांगी प्रेम है वो नहीं रहेगा, फिर जो लेन देन हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो गया। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो हैं, जो प्रेमी लोग हैं, वो तो बस पूजा का फल पूजा ही चाहते हैं। अगर जहाँ पूजा का फल पूजा होता है, पूजा की बढ़ती होती है, वहाँ भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ऋणी वही होते हैं जहाँ कोई देता ही देता है, लेना नहीं चाहता, वहाँ भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं। तो ये मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हुई है, बड़ा मंगलमय कार्य हुआ है। इस कार्य में श्रद्धा पूर्वक जो लोग भगवान समझ करके इनकी पूजा अर्चना करना चाहेंगे उनको अवश्य लाभ होगा। सभी जगह होता है, तो सब लोग ऐसे होते नहीं। तो मुख्य चीज है, सर्वोत्तम चीज है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। भगवान के प्रेम की प्राप्ति सहज वस्तु नहीं है, बड़ी सहज है पर बहुत ही कठिन है। उसमें सबसे बड़ी चीज है ये, भगवान के प्रेम की बात करने वाले हम लोग इस बात को खूब समझ लें कि ये प्रेम की आधार भूमि है त्याग। भरत ने राम के लिए त्याग किया, राम ने भरत के लिए त्याग किया, इतना प्रेम हो गया कि उस प्रेम की गाथा गा करके हम लोग आज भी पवित्र होते हैं। अयोध्या कांड में राम और भरत का जो संवाद है, कितना दिव्य है, कितना ऊंचा। क्यों उसमें ऊंचापन है कि दोनों तरफ त्याग ही त्याग है, भोग को ठुकराते हैं दोनों। तो इसका परिणाम क्या हुआ, वो ऐसा महान प्रेम कि जिस प्रेम को आदर्श सब मानते हैं। तो प्रेम की भूमिका है त्याग, त्याग के बिना प्रेम नहीं होता। और त्याग जब तक भोगों में सुख की आस्था है, ये समझ लेने की बात है, जब तक भोगों में सुख की आस्था है तब तक त्याग बनता ही। त्याग की हम बात कितनी करें, अच्छे अच्छे त्यागी लोग जब घर को छोड़ते हैं बड़ी विरक्ति रहती है पर वो घर को छोड़ने के बाद जिस क्षेत्र में जाते हैं, वो यदि क्षेत्र विरक्तों का न हुआ, वो क्षेत्र यदि विषयी लोगों का हुआ, तो भगवान की कृपा से, साधना की निष्ठा से जो महात्मा लोग आगे बढ़ जाते हैं, वे तो सर्वथा आदरणीय पूज्य हैं। पर अधिकांश में होता क्या है, वो जो वासना अभी तक मरी नहीं, वो सुप्त वासना फिर जागृत हो जाती है और नए नए नामों से, नए नए रूपों से वो वासना तृप्ति के लिए ये मान करके इसमें सुख है उसका सेवन करने लगता है। ऐसी घटनाएं मैंने बहुत देखी हैं, अब भी सामने ऐसी घटनाएं आ सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका यही है कि त्याग वैराग्य ये वास्तविक होना चाहिए भोगों के प्रति, और ये तब तक नहीं होता जब तक भोगों में सुख की आस्था बनी हुई है। बहुत लोग हम लोग रात दिन ऐसी बातें करते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त होता नहीं, कैसे प्रेम प्राप्त हो, यही लोग पूछते हैं, यही हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है कैसे प्रेम प्राप्त हो। परंतु उत्तर मिलता है ऐसा कि प्रेम प्राप्त हो कैसे, प्रेम दो जगह नहीं रहता, प्रेम रहता है एक जगह, असली प्रेम दो जगह नहीं रहता।
वो प्रेम हमारा जब तक भोगों में है तब तक भगवान से नहीं होता। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और रात्रि ये दोनों एक साथ एक समय नहीं रह सकते, इसी प्रकार काम और राम, प्रेम और भोग ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये भगवान का जो पूजन है, भगवान का अर्चन है, भगवान के लिए राजोपचार की पूजा है, ये सब ठीक है, पर ये सब चीजें भगवान की पूजा के लिए ही हो तब ठीक है। हम लोग भोग लगाते लगाते जूठन डाल देते हैं। हाँ, भोग लगाते लगाते बोले आज तो अपने हमारे मन में आई बात कि आज तो ठाकुर जी के लिए और बादाम का हलवा बने, अपने मन में खाने की आई है और ठाकुर जी के लिए बने, प्रसाद बने बड़ा अच्छा। अब देर हो रही है, ठाकुर ब्राह्मण रसोईया से पूछते हैं भाई कितनी देर है, ठाकुर जी को देर हो रही है, ठाकुर जी को देर हो रही है, भोग लगाने में कितनी देर है, अपने को देर हो रही है, और फिर कैसा बना है उसका स्वाद हम पहले ही लेने लगते हैं ठाकुर जी के भोग लगाने से पूर्व ही जूठन हो जाता। और ऐसी ऐसी दशा होती है कि जिसमें खाने पर भी जूठन नहीं होती। ये बात सत्य है और ये माननी चाहिए कि जूठन बहुत बुरी चीज है, ये बिल्कुल तामस है, उच्छिष्ट कभी नहीं खाना चाहिए, कभी किसी महात्मा का हो या कोई का भी हो, उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर वह उच्छिष्ट होता ही नहीं, ये बात दूसरी है। एक कथा आती है पद्म पुराण में, एक भील था वो जंगल में रहता और जंगल में वो अपना जंगली काम करता। वो एक महात्मा के पास जाया करता, तो महात्मा ने उसको एक रास्ता बताया कि देखो एक काम करो, वहाँ कहीं एक मूर्ति थी भगवान की, तो कहा वो भगवान है और तुम जो कुछ भी खाओ, जो चीज सबसे अधिक स्वाद हो मीठी हो वो भगवान के भोग लगाया करो। तो उसने कहा अच्छी बात, यही करेंगे। वो बेचारा बड़ा सीधा ग्रामीण आदमी, युक्ति तर्क जानता नहीं, बात बैठ गई कि भगवान के सबसे बढ़िया चीज भोग लगानी है। एक दिन उसको एक प्याल का फल मिला, अब वो मीठी है कि नहीं कैसे पता लगता इसको, ये चीज मीठी है कि नहीं पता कैसे लगे बिना चखे, तो हरेक को चखता, तो जो चीज बड़ी मीठी लगती वो ले जाके करके भगवान के मुंह में दे देता। ये लोग कहेंगे अनाचार है, अनाचार नहीं, इसके अंदर देखना है कि वो जूठा करते ही नहीं, मुंह में लेने पर भी जूठी चीज नहीं होती और मुंह में न लेने पर भी बार बार वो जूठी हो जाती है। तो प्याल का फल मिला, उसने मुंह में रखा, चखा, बड़ा स्वाद बड़ा मधुर, तो इच्छा की ये अब निकाल के भगवान को भोग लगाएंगे। अब भगवान की इच्छा, भगवान की लीला, वो गले में जरा नीचे उतर गया। अब वो भील ग्रामीण बिचारा, उसने सोचा कि तो भगवान की चीज मेरे पेट में क्यों जा रही है, सीधी बात, तो उसने गला पकड़ लिया, गला पकड़ करके और दोनों अंगुली दे के उल्टी करे। अब बमन बड़ी बुरी चीज, बमन कोई पवित्र होती है क्या, पर उसको पवित्रता तो क्या पता नहीं है, उसको तो यही याद है कि ये फल बड़ा मीठा है, भगवान के भोग लगाना है, कैसे ही मिले, क्या उल्टी में से निकल आ गए। अब वो निकला नहीं तो नीचे तो उतरने न दे वो, और बाहर आवे नहीं, गले मटका, तो भागा गया वहां पर भगवान के पास। बोले महाराज ये तो निकलता नहीं, अब क्या करें। अब भगवान तो बोले नहीं, तो कुल्हाड़ी लाया, एक कुल्हाड़ी लाया,
कुल्हाड़ी ला करके और उसने सोचा कि विचार किया, निश्चय किया कि इस कुल्हाड़ी से गले को काट देना है, गले को काट करके फल निकाल के उनको मुंह में दे दिया, फिर मर जाएंगे तो मर जाएंगे। कुल्हाड़ी जब यहाँ रखी उसने तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले बस तुम्हारी पूजा स्वीकार है भैया हमें। तो ये कहने का मतलब यह है कि भोग में जब तक आस्था है तब तक हम भगवान के प्रसाद को भी दूसरा कर देते हैं। भोगास्था वाले लोग जो है ना, ये भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम लोग सभी हैं, किसी पर दूसरे पर आक्षेप नहीं, तो आज सजावट कैसी हुई। किसी बेचारे बड़े भक्त प्रेमी गरीब का मंदिर हो और जिसमें सजाने के लिए ठाकुर जी के झूला बनाने के लिए बहुत सामग्री न हो, उसमें भीड़ नहीं होगी। आप देखिए झूलों में, देखिए वृंदावन में और अयोध्या जी में, सब जगह जहाँ ज्यादा सजावट है, ठाकुर जी को देखने कोई नहीं जाता, ठाकुर जी अपना बैठे रहते हैं, वो देखते हैं, हमें तो कुछ देखता नहीं, देखता हमारी पोशाक को, देखता हमारे गहनों को, देखता हमारे मंदिर को, हमको कोई नहीं देखता। और जो ठाकुर जी को देखते हैं वे भाव वाले। तो इसलिए भोग जो है ना, ये अच्छे अच्छे लोगों के मन को हरण किए रहते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनका प्रवेश हो जाता है और ये मन को बरबस खींच लेते हैं। तो ये बचने, ये प्रेम जहाँ प्राप्त करना, हम गोपी प्रेम की बात करते हैं, गोपी प्रेम का जो दिव्य रूप है और जिसका कोई अंश मेरी बुद्धि में आया है, अनुभव में आया है, वो इतना पवित्र है, इतना ऊंचा है, इतना वो त्यागमय है, इतना वो भोगे इच्छा रहित है, भोग की वहां पर सत्ताई नहीं है, सत्ताई नहीं है वहां, इस ये प्रेम, इस प्रेम का उदय होता है वहां, इस प्रेम का प्राकट्य होता है। और कहनी नहीं चाहिए बात, हमारे कवियों ने सूरदास को छोड़ करके, ऐसे जो भक्त कवि उनको छोड़ करके, अधिकांश कवियों ने भगवान राधा कृष्ण को इतने नीचे स्तर पर वो लोग ले आए हैं, इतने नीचे स्तर पर ले आए हैं कि जो चीज हम लोग समाज में नहीं कह सकते, उन चीजों को उन्होंने पदों में गाया है। तो वो सब तो कभी जयदेव है नहीं, गीत गोविंद बहुत अच्छा, पर किनके लिए बहुत अच्छा, जहाँ पर शिवा भगवान की और किसी की सत्ता नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा। और नहीं तो गीत गोविंद बहुत अच्छा होने पर भी अनधिकारियों के लिए गिराने वाली चीज है। कभी जयदेव ये बड़े भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उनके उस ग्रंथ के अध्ययन का अधिकार सबको नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की प्रीति, भगवान की रति, भगवान का प्रेम, ये सर्वोच्च वस्तु है। और जो केवल इसको चाहता है, सर्वस्व का त्याग करने को जो प्रस्तुत है, उसके लिए बड़ा सहज भी है, क्योंकि यही प्राप्त करने की वस्तु है। सब कर मत खगनायक करिय राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जा, यही सारे ऋषि मुनियों का सबका मत है, सब इसी को चाहते हैं। तो सब चाहते हैं और प्रेम प्राप्त होने वाली वस्तु है, सत्य है, तो ये सहज है, भोगों की अपेक्षा सहज है, परंतु इसका मूल्य चाहिए। किसी मूल्य पर प्रेम नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है, पर एक अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। तो वो राधा और वो श्री कृष्ण किस प्रकार के हैं, ये पहले देखने की बात है। उसके बाद राधा के रूप को समझो, गोपी के रूप को समझो, जहाँ पर
स्वसुख वासना कल्पना लेश गंध नहीं है, स्वसुख वासना की कल्पना का लेश गंध नहीं है, वहाँ राधा भाव का प्रस्फुटन होता है। तो इसीलिए कल अपने जो बात हुई थी भावांकुर की, भाव जो है ये प्रेम से पूर्व की अवस्था है, इस भाव के उदय में भी बड़ी भारी साधन की आवश्यकता है, बल्कि वो उसके नौ भावांकुर बताए जिसकी कल अपने बात हो रही थी। ये इसलिए मैंने कहा ये सब बातें कि थोड़ी सी यहाँ भूल हो जाती है, भूल ये होती है कि हम लोग अंदर तो जाते नहीं और बाहर बाहर से वो जैसे छोटे बच्चों को परशुराम का संवाद बड़ा अच्छा लगता है, लक्ष्मण का कटुक्तियां है ना, कटुक्तियां हैं, जहाँ कोई व्याख्यान होता हो तो जहाँ लड़ाई का प्रसंग हो वो जरा अच्छा लगेगा, रास्ते में लोग तरह करते रहेंगे और वहाँ जो लोग क्रोधियों खड़े रह जाएंगे। मैं आक्षेप नहीं करता, मैं सत्य बात कह रहा हूँ जिसका अनुभव किया है। इसी प्रकार जहाँ राधा कृष्ण के गोपी और भगवान के नाम पर जहाँ भोगों का वर्णन होगा वहाँ हमारा मन लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? कि हमारे मन में भोग वासना जो भरी है वो वासना भगवान के नाम पर अपनी पूर्ति कराती है, इसलिए ये वासना का सर्वथा त्याग करे और केवल भगवान के लिए ही सर्वस्व का त्याग करे। तब ये त्याग जब होता है तब वहाँ पर भगवान का ये प्रेम प्रकट होता है। तो उसके नौ अंकुर हैं, ये नौ अंकुरों की बात कल अपने हो रही थी, इसी को कह करके और इस विषय को समाप्त करके अगला विषय फिर चलना आगे।